ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਲਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਵਾਰ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਇਨ ਦਾ ਲਵ ਆਫ ਜੀਸਸ ਇੱਕ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਹੈ ਇਹ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਪ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਲੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਰਤਕ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਦ ਬੈਟਲ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੋਪ ਗੋਲੋ ਕੇ ਸਾਥ ਲੜਾਈ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ परमाणु बम्बों के साथ लड़ाई होने वाली नहीं क्रिकेट में क्या होने वाली है लड़ाई होने वाली जय मसीह की दोस्तों अभी पंजाब में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आज उस शब्द के ऊपर इस वीडियो को बना रहा हूँ जिस शब्द को लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जी हाँ दोस्तों अभी आपको पता है कुछ समय पहले अंकु नरला मिनिस्ट्रीज की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी अमृतसर में जिसको नाम दिया गया था अमृतसर क्रूसेड जो क्रूसेड शब्द है दोस्तों अगर हम इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें लिखा आता है धर्म युद्ध लेकिन इसी बात को लेकर के जो ये कैलिफोर्निया से ये बाबा आया है जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह उदासी मतलब नाम में ही उदासी है इस बाबा का ऐसा बोलना है कि जो क्रूसेड शब्द है जो ये धर्म युद्ध का जो ये शब्द यूज करते हैं जिसका मतलब धर्म युद्ध होता है ये खासकर सिख लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए यूज करते हैं सिखों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए यूज़ करते हैं और इन लोगों को ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए ये लोग सचमुच में पंजाब में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ये लोग पंजाब को ईसाई स्टेट बना देंगे क्रिश्चियनों की स्टेट बना देंगे मतलब तरह तरह के बयान दोस्तों इस बाबा ने दिए हैं अभी दोस्तों मैं आपको अंकुर नरला जी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें अंकुर नरला जी ने अच्छे से इन लोगों की क्लास लगाई है पहले दोस्तों आइए सुनते हैं कि अंकुर नरला जी क्या बोलते हैं उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इस संडे बैटल होगी भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होगी क्यों मैच में क्रिकेट मैच में लेकिन क्या होता है वहां पे द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा होता है कि नहीं लिखा होता इसका मतलब क्या तोप गोलों के साथ लड़ाई होने वाली परमाणु बम्बों के साथ लड़ाई होने वाली नहीं क्रिकेट में क्या होने वाली है लड़ाई होने वाली और अगर कोई अनपढ़ बंदा टीवी देख रहा हो उस समय बोले कमेंट्री सुन के कि ओ कह रहे जी भारत पाकिस्तान में लड़ाई होने वाली है जी चलो चलो तैयारियां कर लो चक लो सारे तलवारें चक लो अरे बेवकूफ वो लड़ाई भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में होने वाली है अब इंग्लिश का एक शब्द है क्रूसेड हिंदी का शब्द है लड़ाई उसे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो जब किसी का मैच होता है वो भी कहता है युद्ध होने वाला है द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो अगर किसी बंदे ने इसको गलत तरीके से इस शब्द को इस्तेमाल किया है इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में कोई अच्छा व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हालेलुया क्रूसेड का मतलब है अपने बिलीफ के कारण कुछ अटेम्प्ट करना क्या अटेम्प्ट करना कि आत्मिक युद्ध करना कौन सा आत्मिक युद्ध बीमारियों के खिलाफ पाप के खिलाफ व्यभिचार के खिलाफ नशों के खिलाफ अज्ञानता के खिलाफ अनपढ़ता के खिलाफ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं चंडीगढ़ चर्च के बारे में यहाँ पर 3 दिन की चंगाई सभा रखी गई है 9, 10 और 11 जुलाई को ये चंगाई सभा होने वाली है शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक अगर आप हमारी इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप अपना आने का प्रबंध इस चंगाई सभा में कर सकते हैं इसमें परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुअल आपको परमेश्वर के वचन से तृप्त करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी ले हैंड प्रेयर्स होंगी आपकी बीमारी आपकी समस्याओं के लिए आपके जीवन में कैसी भी बीमारी कैसी भी समस्या हो आप आ सकते हैं चंडीगढ़ की इस 3 दिन की चंगाई सभा में 9, 10, 11 जुलाई को इस चंगाई सभा में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेंगे ये चंगाई सभा चंडीगढ़ सेक्टर 29D देश सेवक भवन में होने वाली है और खाने और रुकने का भी प्रबंध हमने आपका किया हुआ है तो आप इस चंगाई सभा में आ सकते हैं और लोगों को भी आप अपने साथ लेकर के आ सकते हैं तो आप जरूर आएं इस चंगाई सभा में अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने सुना अंकुर नरला जी कैसे इस क्रूसेड शब्द का मतलब बताते हैं बहुत अच्छे से अभी मैंने भी आपको अपने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि जो क्रूसेड शब्द का मतलब है वो है धर्म युद्ध लेकिन धर्म युद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि जिस स्टेट में ये क्रूसेड किया जा रहा है वहां के दूसरे धर्म के लोगों से ये युद्ध है बल्कि ये आत्मिक तौर पर समझने वाली बात है ये शैतान के साथ युद्ध है ये अंधकार की शक्तियों के साथ युद्ध है
क्योंकि मैं आपको बता दूं, दो धर्म होते हैं, एक धर्म और एक अधर्म। ये अधर्म के खिलाफ युद्ध है, नशे के खिलाफ युद्ध है, व्यभिचार के खिलाफ युद्ध है, तरह तरह की बुराइयों के खिलाफ युद्ध है। ये किसी के धर्म को बदलवाने के लिए युद्ध नहीं है, ये किसी को सिख से ईसाई बनाने के लिए युद्ध नहीं है। ठीक ऐसा ही अंकुर नरुला जी भी बोलते नजर आए हैं। और इसमें इन्होंने क्रिकेट का भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जो कि आपने सुन ही लिया है कि कैसे क्रिकेट के अंदर भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप खुद सोच के देखिए, जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्रिकेट में किया जाता है, तो क्या क्रिकेट में अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो क्या वो आपस में तलवारों से, लाठी डंडों से लड़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उस मैच के द्वारा उस युद्ध को लड़ा जा रहा है। ठीक ऐसे ही ये धर्म युद्ध होता है, जो कि अंधकार की शक्तियों के खिलाफ होता है, ना कि किसी इंसान के खिलाफ होता है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने इस बाबा की वीडियो को देखा था, जिसमें क्रूसेड शब्द को लेकर के तरह तरह की बातें बोल रहा था, तो उसमें इसका ऐसा कहना था कि जो क्रूसेड है, ये मुस्लिम लोग, मुगल लोग यूज करते थे तब के समय में, जब वो दूसरे देशों पर कब्जा करते थे, जानबूझ करके वो ऐसे शब्द को यूज करते थे। और जो ये आज हैं क्रिश्चियन लोग, इस शब्द को यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके इस शब्द को यूज करने में और क्रिश्चियन लोग के इस शब्द को यूज करने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये फर्क उसे ही समझ में आ सकता है जो बुद्धिमान हो, जिसके पास सोचने और समझने की बुद्धि हो। लेकिन ऐसे बाबाओं के पास जो कैलिफोर्निया से आए हैं, इनके पास कोई बुद्धि नहीं है। ये जानबूझकर के दोस्तों इन सब बातों को उखाड़ कर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं पंजाब में, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं पंजाब का। लेकिन मैं इस बाबा को बता दूं कि ऐसे ही एक बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश अमृतपाल सिंह ने की थी, और उसके बाद आज तक भी लोगों को पता है कि वो कैसे आसाम की जेल में सड़ रहा है। क्योंकि कोई भी जीवित परमेश्वर के ऊपर बयानबाजी करे, जीवित परमेश्वर के लोगों को लेकर के, उसके दास को लेकर के बयानबाजी करे, ये परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है। बाकी दोस्तों, आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।